गाइस गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चे वहाँ उठ चुके हैं, बच्चे उठ चुके हैं एक नींद लेके, क्योंकि आज बच्चे जल्दी उठ गए थे, परेशान कर रहे थे। और जब ऐसा होता है तो मैं बहुत कम व्लॉग स्टार्ट कर पाती हूँ। तो अभी बच्चे उठ गए और मैंने उनको बनाना खिला दिया, क्योंकि उनको भूख लग रही थी। और अभी ब्रेड वगैरह आ गया है, ऑनलाइन मंगवाया था क्योंकि ख़त्म हो गया था। यहाँ पे रखा है ब्रेड के पैकेट, पर अभी मैंने ना धोया नहीं, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ना धोए बिना ना यूज नहीं करती हूँ। बच्चे यहाँ शोर मचा रहे हैं, और गाय का आज मैंने ना यहाँ, अरे यार मानते नहीं रहे बच्चे, बंद करेंगे तो रोने लगेंगे। थोड़ा बहुत ब्लॉग करो तो उससे पहले कुछ हुआ भी नहीं ऐसा, ऐसे मैंने अभी कोई खाना भी नहीं बनाया बच्चों के साथ। थोड़ी सी नींद ली उन्होंने, जल्दी उठ गए थे तो धूप भी चली गई। धूप तो हमारे यहाँ से चली जाती है, आपको पता है पहले ही। और मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको, ये देखो ये मोर पंखी अंदर रखा था, मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि ना बच्चे ना इसको जब बच्चों को नीचे छोड़ते हैं ना, तो बच्चे इसमें हाथ दे रहे थे, तोड़ तोड़ते हैं मतलब ना, तो ये और ज़्यादा ख़राब जाए। लेकिन खांसी हो गई पहले ही, पहले से इसमें काफ़ी सुधार है, बट फिर भी मैंने छाँव में रख दिया है। देखते हैं यहाँ भी अगर ठीक ठाक रहेगा तो, नहीं तो फिर हो सकता है ख़राब ही हो जाए। बस कोशिश तो मेरी यही है कि ठीक हो, ठीक ही रहे। और हमारे बोगनवेला में ना फूल आ रही है, देखो वाइट कलर का बोगनवेला भी है, ये भी है। तब जब मर्जी फूल आ जाते हैं, नहीं मर्जी जैसे मर्जी, मतलब टाइम ऐसा कुछ नहीं है। टाइम अगर देखा जाए तो हमारे साथ वाली जो छत पे जो बोगनवेला रखा है ना, आपको देखिएगा नहीं, क्योंकि आपको बिल्कुल सूख गया है, सूख जाता है मतलब ना, एक टाइम पे ऐसा हो जाता है। तो उसमें अभी तक इतने सारे फूल थे, तो हम सोच रहे थे हमारे में क्यों नहीं आए, बट अगर उसमें अब चले गए तो इसमें आ रहे हैं। पौधा होगा, पौधों का कुछ ऐसा है, गोबर वाला ऐसा ही है। देखो ये तो मैंने आपको दिखाया ही, यहाँ भी देखो छोटे 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 फूल बहुत अच्छे आ रहे हैं, प्यारे प्यारे। और अभी देखो ये वाला गोबर वाला अलग है, ये वाला भोगन वाला अलग है, ये दोनों ना मिक्स हो गए हैं, मतलब ना एक दूसरे में जकड़ गई हैं इनकी ना टहनियाँ। ये बेल है, देखो ये बेल जा रही है, अब मैं इसे कहाँ चढ़ाऊँ कहाँ नहीं चढ़ाऊँ समझ नहीं। ऊपर से पौधा भी छोटा है, मतलब गमला भी छोटा है। तो मेरे को बोला गया था अगर आपको इसको बड़ा करना है ना तो आप बड़े गमले में कर लेना, बट मैं कर नहीं पाई, क्योंकि फिर मेरे को बच्चों की न्यूज़ मिल गई थी, तो मेरे को काम करना सब मना था, इस वजह से ना ये भारी काम मैं कर नहीं पाती। कपड़े मेरे ऑलमोस्ट सारे सूख गए हैं, बस ये थोड़े बड़े बड़े चीज़ें बची हैं, तो इनकी स्टाई करूँगी। बाकी मशीन में मेरे कपड़े पड़े हैं, आप देख सकते हो, ये धुलेंगे जब निष्ठा आएगी, निष्ठा की ड्रेस के साथ। अच्छा लगेगा धूप के साथ ना, अब सर्दियाँ आ ही गई हैं, बस ऑलमोस्ट छोटे बच्चों के लिए तो आए। और मेरी करंट डायपर नहीं लगा, क्योंकि मैंने उसको भी चेंज किया, सो के उठा था तो मतलब निकाल दिया था, तो मैं लगा देती हूँ, क्योंकि अभी मैं नहीं कर पाऊँगी अगर इधर उधर कुछ कर दिया तो। मेरे को अभी खाने का भी देखना है। तो गए लैंप हमारा भी है, जो कि हमने स्पेशल उस रूम के लिए मंगवाया था, अभी लैंप हमारा रखा ही है। नीचे भी डायपर आ गए हैं वैसे तो, अभी छोटा लगा देती हूँ मैं, यही करना डायपर चेंज कर देती हूँ। हाँ जी डायपर चेंज करा लो। ये चक्कर है ना गाइस जिसका, तो देखो ये सब देखता है, ये हमारा लोंडा लोंडा हमारा। मुझे नहीं लगता, पता नहीं खाना बन पाएगा, क्योंकि रह नहीं रहे, क्योंकि इनको हार्ड टॉय नहीं देना, सॉफ्ट टॉय अभी ऑर्डर करे हैं जो है मैंने दे दिए, उनसे वो खेल नहीं रहे हैं। और जो करे हैं उनसे भी कहाँ खेलेंगे, बस ये क्या हैबिट थोड़ी सी डालनी है उनसे पहले पहले, वरना तो टीवी में फिर कुछ और बच्चों ने मार दिया, क्योंकि मेरे को मेरे जैसा फैक्ट है उसका डर है ऐसे ऐसे करके ना। और नीचे वाली आपने देखा ही था ब्लॉग में कि उनके घर में गेस्ट के बच्चे आए हुए थे, तो उन्होंने रिमोट फेंक के मारा, तो फिर से वो सब चीज़ ना हो जाए, तो इस वजह से ना मेरे को थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, इसलिए मैं दे नहीं रही हूँ। बड़ी परेशानी हो रही है काम करने में ना, कुकर में ना पहले ना चावल चढ़ा देती हूँ, वैसे तो मैं भिगो देती, बट भिगोने का टाइम लगेगा इस पे, फिर ना बच्चों को भूख लग जाएगी ना इस वजह से। अब मैं एक हाथ में कैमरा, मैं कैमरा करूँगी ऑफ, क्योंकि चावल धोने वाले होंगे, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैं लगा नहीं पाऊँगी, तो ऐसे लगा सकूँगी। मैंने ना फटाफट में चावल चढ़ा दिए हैं बच्चों को, मैं यहाँ से झाँक झाँक के देख रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से झाँक झाँक के देख रही हूँ अगर वो कुछ किसी हद कर रही, बट और गैस बंद करके जाऊँगी। अभी वो लगे हुए कुछ होता है ना बच्चे का, एक एक चीज़ वो लग जाते हैं, तो बस तो मैंने सोचा लगे हुए हैं, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं ये देखो, और यहाँ पे मैंने मसाला तैयार कर दिया,
लूं राजमा, तो आज मैं राजमा बनाऊंगी। और जैसे कि आपको पता है इंस्टा के डैडी ने प्याज रखे हैं, प्याज जैसा कुछ मैं नहीं डालूंगी, सिर्फ जीरा टमाटर और ये काली मिर्च। और मैंने ना ये थोड़ा सा जीरा ये ना भुना हुआ पीस के रख रखा था इसमें से, मतलब मैं इसे डैड के लिए डालती थी, मिस्टर के डैडी के लिए व्रत का खाना बनाने के, तो मैं ये डाल दूंगी बस अपना टेस्ट आ जाए। तो गाइस यहाँ पे चल रही है दोनों बच्चों के सर में तेल मालिश, मीक ने तो करा ली अपनी तेल मालिश है ना, करा ली। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अम्मीका की बारी है, देखो गाइस तेल मालिश चल रही है बच्चों की। हाँ क्या हाल है? खुश हो जाते हैं तेल लगा के, है ना? क्यों लड़ रहे हो, क्यों टक्कर मार रहे हो? अब देखो देखो गाइस, मेक ना समझता है सारी बातें, समझता है मेक। अभी देखो मैं क्या बोलूंगा और ये देखना क्या रिएक्ट करता है। चलो उस रूम में चले, देखो चलना है उस रूम में चले। देखो 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 गाइस तैयार हो गया चलने के लिए, अपनी पोजीशन पे चला गया। ये देखो क्या कर रहे हैं वहां जाके, क्या कर रहे हैं वहां जाके, जैसे कर ली थी जय जय कर ली थी आपने? जय 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 जय। अभी ऐसे ठीक नहीं थी इसलिए मैंने ज्यादा ब्लॉग नहीं करा, तो अभी आप ही कर रहे हो, मैंने जब किया होगा एक दो बार बस। क्या हो गया तबीयत को? मेरे को फीवर हो रहा था। दवाई ली आपने? दवाई ली आपने? नहीं ली। दवाई ली नहीं होगी तो फीवर तो रहेगा ही ना फिर, जब तक दवाई लगी। मुझे भी फीवर था सुबह में ऑफिस गया, तो मैंने दवाई ली ऑफिस जाते ही, तो दवाई तो देखो लेनी पड़ेगी ना। बस 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 तेरे को काटा नहीं। उस रूम में चलना है, है? चलना है उस रूम में, चले। दवाई कब लोगे आप ये बताओ? टीशा चलो उस रूम में चलो, इसको चार्जिंग पे लगाते हुए जाना, बैटरी नहीं है इस फोन में आपके। चलो जाओ, देखो दीदी तो चल दी। रूम में चलने के लिए जाना है। लो मैं उठ गया, आप बताओ अब क्या करना है, आप बताओ। हाँ चलूं? चले चले, चलो चलो उतर रहा हूँ, उतर रहा हूँ। रोने लग गया। हाँ कैसे थका थका सा कैसे लग रहा है मेरा शेर है? आजा आजा, देखो उसको ही बुलाता है। आजा भैया, दीदी आ जाओ, आप भी छोटी दीदी आ जाओ। जी लगा दिया चार्ज पे, आ जाओ चलो आ जाओ आ जाओ। मीक बुला रहा है आपको, देखो गाइस मीक बुला रहा है, बुला लो छोटी बाबू को, बुला लो, ले लो गोदी में, ले लो छोटी बाबू को गोदी में उठा लो। मैं उठाऊं क्या? उसने बंदूक चला दी इस थाने, उसका वो टूटा हुआ है। कैसे जुड़ गया, हाथ से पड़ रखा है। छोड़ दो अभी, रख दो बाद में लेकिन मम्मा, तो चले उस रूम में हम। ठीक है यार, बिस्तर बना दो, ये सारा पीना पड़ा है। बिस्तर बना दो बच्चों का फटाफट आप, और उसके बाद कुछ खाने के लिए देना इनको भी, हमारे लिए भी। क्या बनाया आपने आज? वैसे राज बनाने वाली थी पर थे नहीं, तो दाल बनानी पड़ी। दाल हाय बाय। जय जय कर लो। हाँ जय जय कैसे करते हैं? हाँ मीका कैसे करती है? हाँ